हेलो और वेलकम बैक व्यूअर्स। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया था उसमें हमने कहा था कि जल्दी ही मैं आपको बताऊंगा कि हम घर में एक बेटर और एक अच्छी कॉफ़ी कैसे बना सकते हैं। बट उससे भी पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपने अभी मुझे रिसेंट कमेंट किए हैं हाइड्रोसिल से रिलेटेड, आई से रिलेटेड, रिसेंटली मैं जो अपकमिंग वीडियोज़ हैं उनमें उसके आंसर जल्दी ही दूंगा। बट डोंट वरी, आज हम थोड़ा सा डिफरेंट वीडियो बना रहे हैं बिकॉज हमेशा तो हॉस्पिटल में मिलते हैं आपसे, लेकिन आज हम किचन में खड़े हैं और आपको हम बताएंगे एक प्रोफेशनल कॉफ़ी कैसे घर में आप बना सकते हैं बहुत आसानी से और थोड़ी छोटी सी एक ट्रिक यूज़ करके। मैंने आपको बताया था कि मैंने एक कॉफ़ी मशीन ऑर्डर कर दी है और वो आ चुकी है और वो ये है जिसको मैंने ओपन कर लिया है। ये है मर्फी रिचर्ड की कॉफ़ी मेकर, मर्फी रिचर्ड का कुछ इस तरह से ये दिख रहा है, आप देख सकते हैं इसको। इसको इसकी पिक्चर भी मैं साइड से, अगर आपको क्लियर नहीं दिखेगी मैं वीडियो के बाद देखूंगा तो मैं इसकी पिक्चर लगा दूंगा आपके लिए। ये अगर हम इसके प्राइस पर बात करें तो ये ऑलमोस्ट 4000 के आसपास है। अप एंड डाउन प्राइस होते रहते हैं, आप देखते रहिए जब कन्वीनियंट या जब आपके अकॉर्डिंग प्राइस हो तो आप इसे खरीद सकते हैं। बट इसको जब मैंने लिया था तो मैंने खुद इस पर कॉफ़ी बनाने की कोशिश की, लेकिन शुरू में मैं प्रॉपरली सही से कॉफ़ी नहीं बना पाया। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि वो कैसे बनाते हैं, बट इसमें कुछ एक ऐसी ट्रिक है जिसको अगर आप यूज़ करेंगे तब आप एक बेटर और एक अच्छी कॉफ़ी आराम से घर पर बना सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ बनाइए आप कॉफ़ी अगर आप इस मशीन को लेते हैं तो आने वाले समय में आपको कभी भी इस तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जो मुझे हुई, और आप एक बेटर और एक बेहतरीन कॉफ़ी बना पाएंगे जैसे कि आप होटल, रेस्टोरेंट या फिर किसी पार्टी में पीते हैं। लेट्स गो। अब मैं आपको मशीन दिखा देता हूँ। ये मशीन खुलकर कुछ इस तरीके की दिखेगी आपको, जिसमें कि हमारा एक यहाँ पर ये कप रहेगा जिसमें हम डिफरेंट तरीके की टी और कॉफ़ी दोनों ही बना सकते हैं, और बाकी इसमें जो फंक्शंस है वो यहाँ पर दे रखे हैं। ये कुछ लिखा है, देखिए, कैपेचिनो एंड एस्प्रेसो। कैपेचिनो कॉफ़ी जो है वो फेमस है इटली से, और इटली में इसका बहुत बड़ा चलन था और वहाँ से फिर ये पूरी दुनिया में फेमस हुई। कैपेचिनो का मतलब यही है कि अगर हम दूध को फ्रॉथ करें यानी स्टीम से दूध को गर्म करें और उसके बाद जब हम कॉफ़ी बनाएंगे तो वो कॉफ़ी कैपेचिनो कॉफ़ी कहलाती है। तो अब हम बनाना इसको शुरू करते हैं। अब इसको बनाने के लिए जो हमें सामान चाहिए वो हम कलेक्ट कर लेते हैं, और उसमें है कि हमें, मैंने ये 2 कप दूध ले रखा है इस ग्लास में, और हम 1 गिलास पानी लेंगे जिसकी हमें स्टीम बनानी है, वो मैंने यहाँ रख दिया है। साथ ही साथ ये ट्रे हमारे पास 2 कपों के साथ, इसको मैं साइड में रख देता हूँ। अब सबसे पहले हमें इस मशीन को यहाँ से इसको खोलना है, और इसमें हम ये जो पानी है हमारे पास 1 गिलास, हम इस पानी को इस मशीन में डाल देंगे। इसमें पानी मैंने भर दिया है, इसका लिड मैं क्लोज कर दूंगा सही से, और मैं इसका ये स्विच यहाँ से ऑन करूँगा। लेकिन उससे पहले हम ये समझ लें कि इसका क्या यूज़ है। इसका यूज़ ये होता है कि ये जो इसमें एक अटैचमेंट है इसके अंदर हम कॉफ़ी या फिर चाय जो भी आपको डिफरेंट तरीके से बनानी है तो उस तरीके से आप इसमें बना सकते हैं। इसमें आप कॉफ़ी थोड़ी सी डालेंगे, उसके बाद आप इसे यहाँ लगा देंगे, और लगाने के बाद जब स्टीम यहाँ से आएगी और जब इस कप में स्टीम आ जाएगी फिर एक एक ड्रॉप करके यहाँ से ये इसमें से निकलेगी और आपके इस कप में ये कलेक्ट हो जाएगी। लेकिन ये बड़ा लेंथी प्रोसेस रहता है, इसके बारे में मैं फिर कभी दोबारा कोई नया वीडियो बनाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि इसमें आप कैसे कॉफ़ी बनाते हैं। अभी हम देखेंगे कि इंस्टेंट फटाफट आप कॉफ़ी कैसे घर में आराम से बना सकते हैं इस मशीन से। तो अभी मैं इस अटैचमेंट को तो यहीं लगा देता हूँ, इसको मैं अभी यहाँ लगा देता हूँ, और अब हमने इसका स्विच ऑन कर दिया है यहाँ से, और अब हम स्टीम बनने का इंतज़ार करेंगे। जैसे ही ये स्टीम तैयार हो जाएगी तब हम बनाना शुरू करेंगे। तब तक हम क्या करते हैं कि इस दूध को हम एक पॉट में रखेंगे। पॉट यानी, बहुत ये अच्छी ट्रिक है, आप इसको खूब अच्छे से समझिएगा कि हमें इस तरीके का एक छोटा सा
पॉट इस्तेमाल करना है। आप इसकी जगह कोई दूसरा भी हैंडल वाला पॉट ले सकते हैं जिसको आप आराम से पकड़ सकें, बिकॉज जब इस लिड से स्टीम आएगी यहाँ से, तो हम उससे ही इस मिल्क को या इस कॉफ़ी को तैयार करेंगे। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी एक ही साथ में फटाफट कॉफ़ी बन जाएगी। हम ये मिल्क जो हमने लिया है वो हम इस पॉट में कर लेंगे। ये 2 कप मिल्क है। अब हम इस 2 कप के अकॉर्डिंग ही इसमें शुगर भी ऐड कर देंगे इसी मिल्क में। मैंने 1 स्पून के अकॉर्डिंग यानी 2 कप इसमें मैंने दूध लिया है, तो मैंने 2 चम्मच इसमें चीनी ऐड की है। उधर मेरी स्टीम भी तैयार हो चुकी है लगभग ऑलमोस्ट। अब मैं इसमें यहाँ पर थोड़ी सी कॉफ़ी लेता हूँ। जितनी आपको स्ट्रॉन्ग अगर चाहिए तो आप स्ट्रॉन्ग ज़्यादा डाल सकते हैं, अगर आपको थोड़ी पसंद है तो थोड़ी। मैंने नॉर्मल ले रहा हूँ थोड़ी सी। देखिए इतनी मैंने इसमें कॉफ़ी ऐड कर दी है, और इसके बाद हम इसको थोड़ा सा घुमा देंगे जिससे कि ये इसमें मिल जाए। ठीक, ये देखिए इसमें हमारा ये मिल चुकी है ऑलरेडी, और इसमें हमारा ऑलरेडी चीनी भी है। और ये दूध इसमें जिस फॉर्म में है, ये फॉर्म ठंडी फॉर्म में है, यानी अभी जो दूध है मैंने अभी फ्रिज से निकाला है इस दूध को, और उसी दूध में मैंने चीनी डाली है, उसी दूध में मैंने कॉफ़ी डाली है। अब इधर हम देखेंगे कि क्या हमारी स्टीम तैयार हो गई है। तो ये देखिए इसमें ऑलमोस्ट स्टीम तैयार हो गई, देखिए स्टीम आ रही है। अब इसमें जो सबसे बारीक और समझने की बात ये है कि हमें इस दूध को जो हमारे पास इस पॉट में है, इसको पहले नॉर्मल से थोड़ा सा गर्म टेम्परेचर में लाना है, जिसको हम कहते हैं गुनगुना। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम इस तरीके से लाएंगे, और यहाँ से हम इस नॉब को पकड़ेंगे। ये नॉब जो यहाँ पर है इसको कंट्रोल करेंगे, नॉब को हम पकड़ेंगे, और ये जो लिड है इसका, इस लिड को हम इसमें दूध में डिप करेंगे, यानी डेप्थ तक लेके जाएंगे, और फिर हम इसको ऑन कर देंगे। मैं एक चीज़ और भी बता दूं इसको शुरू करने से पहले, कि इस मशीन के साथ हमें एक ये अटैचमेंट भी मिलता है जो कि इसमें लगाया जाता है, इसी लिड में, इस स्टील के इस लिड में। बट मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इससे फ्रॉदिंग अच्छे से हो नहीं पाती जैसे हम चाहते हैं। तो मैं इसको विदाउट इसके, इसमें मैंने लिड को इसमें डुबोया है ऐसे, और हम इसको स्टार्ट करेंगे, स्टीम को छोड़ेंगे। देखिए आप इसमें स्टीम आ रही है बहुत तेज़ी के साथ में इस मिल्क में, और ये देखिए अब देख रहे होंगे कि इसमें स्टीम आ रही है। अब हम थोड़ा फिंगर से अपनी इसको चेक करेंगे कि ये दूध कितना गर्म हुआ। अभी ये गुनगुना हो गया है, हल्का सा गुनगुना हुआ है, फिर देखेंगे थोड़ा सा गुनगुना हुआ है। अब हमें ट्रिक क्या करना है, अब ये थोड़ा सा गुनगुना हो चुका है, तब हम इसकी इस अपने पॉट को इतना नीचे लाएंगे कि इसकी जो किनारे की टिप होती है इस लिड की, इस पाइप की, बिल्कुल उस पाइप से थोड़ा सा टच करेंगे मिल को, थोड़ा सा टच करेंगे, बिल्कुल लाइटली से टच करेंगे पाइप को, बस मिल के ऊपरी सतह पर रोकेंगे। देखेंगे आपकी ऑलमोस्ट अपने आप ही इसमें फोम बनने लगते हैं। देखिए ये अपने आप मिल्क के अंदर फ्रॉदिंग होने लगेगी और झाग तैयार होने लगेगी। बस ध्यान रखना है कि हमें ज़्यादा भी नीचे नहीं करना है जिससे कि दूध उछलने लगे, और ज़्यादा डिप भी नहीं करना है क्योंकि उससे फिर झाग नहीं बनेंगे। तो हमें बिल्कुल इस ये जो पाइप की टिप है इसको ऊपरी सतह पर रखना है मिल्क के, और इतना रखना है कि दूध छलके नहीं, दूध बाहर ना आए। और देखिए ये झाग भरने लगे हैं पैन में। मैंने प्रेशर ऑलमोस्ट पूरा फुल खोल रखा है यहाँ से, ऑलमोस्ट इसमें झाग बन चुके हैं जितने इसमें बनने चाहिए थे। अब मुझे इसको हाई टेम्परेचर पर गर्म करना है। मैंने क्या करना है, इसको अंदर कर देना है इस पूरी लिड को, और अब इस साउंड से ही पता चल जाएगा हमें कि ये फुल अच्छी तरीके से
बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच गई या नहीं। आप देखेंगे इसको अभी हमें स्टीम छोड़ते रहना है, इसको ऐसे ही पकड़े रहना है। साउंड चेंज हो रही है धीरे धीरे और अब बॉइलिंग पॉइंट की साउंड आने लगी। ऐसा लग रहा है कि ये अंदर से उबलने लगा। देखिए बिल्कुल साउंड गायब हो गई अब और बॉइलिंग पॉइंट की, बॉइलिंग जैसे पानी दूध बॉयल होता है उस तरीके की साउंड आ रही है। अब ये उबलने लगा है, देखिए बिल्कुल जैसे दूध उबलता है उस तरीके से। देखिए अब हम इसको बंद कर देंगे स्टीम को फटाफट यहाँ से और हम इसको अब सर्व करते हैं। इसके लिए आपको दिखाऊं कि हमने ये यहाँ पर फटाफट ये लिए दो और अब हम इसको इसमें सर्व करेंगे। अब मैं ये देखिए मैंने निकाल दिया। अब इसमें फोम देख रहे हैं आप, पूरे भरे हुए हैं और मैं उन फोम्स को इसमें, ये जो झाग हैं उनको निकालूंगा और ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको निकाल दिया है। और अब आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके का लुक दिख रहा है। देखिए कप को बिल्कुल ऊपर तक ये भर गए हैं झागों से। अब मैं इसको थोड़ा सा खूबसूरती के लिए मैं ये कोको पाउडर यूज़ करूँगा टॉप्स का। आप इसमें हल्का सा इसको स्प्रिंकल करेंगे देखिए आपकी कॉफ़ी, प्रोफेशनल कॉफ़ी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। देख सी दिस इज नाइस एंड विद द बेस्ट फ्रेग्रेंस आल्सो। और इसके अलावा इस कॉफ़ी मशीन में अगर हम चाय को बनाना चाहते हैं तो चाय भी बहुत अच्छी बनती है और डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर में चाय बहुत अच्छी बनती है। अगर आपके कमेंट्स मेरे पास ज़्यादा आएंगे तो मैं वो दूसरे वीडियो जो हेल्थ से रिलेटेड बनाता हूँ उसके अलावा मैं ये भी वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाऊँगा कि इसमें आप बेस्ट चाय कैसे बना सकते हैं। अगर आपके कोई कमेंट है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी फैमिली में शामिल हों। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।